हाँ बेबी, कहाँ हो? बस आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। ओके डार्लिंग। अच्छा सुनो ना, एक किसी दो ना प्लीज। नो, आर यू ना अभिमांश? अरे दो ना, एक यार प्लीज यार। मानोगे नहीं ना तुम? यार ओफ, जल्दी आओ यार तुम। बाय, सी यू सून। हेलो। हाँ अम्मा। अम्मा रो काहे रही हो? हेलो अम्मा, अरे रो काहे रही हो? क्या हुआ भैया? अरे वो पता नहीं, समझ में नहीं आया, एक मिनट। हेलो हेलो, अरे हाँ सासुती, अम्मा कहाँ रो रही है? अरे सामने सामने। अरे भैया आराम से। सॉरी सॉरी मैडम, सॉरी। हेलो मैडम, थोड़ा बात करिए, हमारी बीबी है सास्वती। क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, कौन है? और हमारा इनके साथ क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं भाभी जी, मैं भैया की गाड़ी में बैठी हूँ। भैया गाड़ी चला रहे थे, इस वजह से उन्होंने हमको पकड़ा दिया है फोन। आपने गलत समझ लिया भाभी जी। अरे दीजिए 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 मुझे, पागल औरत। हेलो हेलो, हाँ अरे तुम पागल हो का? बता का ही नहीं रही, का हो गया है? शक की आदत गई नहीं है तुम्हारी? निन्नू की तबीयत बहुत खराब है, हाँ। डॉक्टर ने घर से ले जा। तो डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे हैं का? हेलो, अरे हेलो डॉक्टर है? एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ पन्नू, अरे यार वो बिन्नू की तबीयत बहुत खराब है, थोड़ा घर है। तुम नहीं हो? कहाँ हो? अच्छा गांव में नहीं हो, ठीक है कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। हाँ हाँ ठीक है। हेलो, हाँ अम्मा। हेलो, अरे काहे रो रही हो अम्मा? एक बिन्नू से बात कराओ। हाँ हाँ बेटा, हाँ काहे रो रही हो बेटा? अरे बेटा हम तो हैं, चिंता मत करो। हेलो हिम्मत से काम लीजिए, रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। सॉरी मैडम। आप परेशान मत होइए, पैनिक मत करिए। ऐसा करिए ना जी, आप किनारे रोक लीजिए गाड़ी और वहाँ पे लगा के बात कर लीजिए। जी जी। थैंक यू मैम। हाँ क्या हुआ यार अंश? थोड़ी सी और देर हो जाएगी यार। कितनी? आई डोंट नो, भैया भी बाहर गए हैं, बात कर रहे हैं, उनके घर पे कुछ दिक्कत हो गई है शायद। तुम पागल हो? दूसरी टैक्सी पकड़ो और तुरंत आओ। क्यों अंश, मैं आ तो रही हूँ, और आधा एक घंटा लेट हो जाएगा तो क्या पता जाएगी यार। पारुल सुनो, बड़ी मुश्किल से 1.5 घंटे का वक्त मिला है, घर पर अभी कोई नहीं है, और तुम उस ड्राइवर के चक्कर में ऑलरेडी आधा घंटा बर्बाद कर चुकी हो,
जल्दी करो यार। नहीं अंश, ऐसा नहीं है, वो बेचारे बहुत परेशानी में इस टाइम पे यार, प्लीज समझो इस चीज को। और मैं परेशान नहीं हूँ। तुम क्या दो कौड़े के ड्राइवर के चक्कर में मुझसे बहस कर रही हो यार? यार बहस नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपनी जरूरत और उनकी जरूरत की तुलना कर रही हूँ। समझो इस चीज को प्लीज। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। मतलब मुझसे ज्यादा जरूरत उसे है तुम्हारी? हाँ अंश। हाँ यार, मेरे यहाँ रहने से उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी ना यार, और उसकी जरूरत हर उस इंसान को है जो परेशानी में है, दिक्कत में है। और यार हम अगर कुछ हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट साथ तो बैठ सकते हैं ना किसी के। अरे क्या ड्राइवर के चक्कर में मुझे फिलोसॉफी पेल रही हो तुम? अंश तुम कॉन्वर्सेशन उल्टे डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। मैं तुम्हें समझाती हूँ घर आकर, अभी फोन रखो, आती हूँ मैं। मैम सॉरी मैडम, वो मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। चले मैडम। हेलो। हाँ अम्मा। मैडम आप दूसरी टैक्सी पकड़ लेंगी क्या? क्या हुआ भैया? मैडम हमें अर्जेंट पैसे जमा करने हैं और बैंक यहीं है, फिर नहीं तो फिर मुझे यू बहुत देर में लौट के आना पड़ेगा। हेलो। हाँ फोन क्यों काटा तुमने? अच्छा बाबा सॉरी यार, वो बहुत ज्यादा परेशान है इस टाइम पर। और मैं परेशान नहीं, अभी सिर्फ 45 मिनट्स बचे हैं, कहाँ हो तुम यार? अंश किस चीज के लिए 45 मिनट बचे हैं? हाँ सेक्स करने के लिए, एक कप कॉफी पीने के लिए, फिर से सेक्स करने के लिए। यार हम लोग घर पे ना सही किसी कैफे वगैरह में मिल लेंगे ना। और यार रात नहीं हो रही है, दिन हो रहा है, और मैं शहर के बीचों बीच में हूँ, कोई जंगल में नहीं हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। अरुण मुझे तो लग रहा है तुम कोई गेम खेल रही हो मेरे साथ। कैसा गेम खेल रही हूँ अंश? कैसा गेम? जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। तुमने उस दिन बोला था कि तुम घर जा रही हो, लेकिन तुम वैभव के साथ कैंटीन में बैठकर कॉफी पी रही थी। तो क्या हो गया इसमें? मेरी वैभव के साथ कॉफी पीने की इच्छा थी, मैं चली गई। इस बात का इतना इशू क्यों बना रहे हो? इच्छा? लेकिन तुमने तो बोला था कि तुम घर जा रही हो। नहीं बाबा मैं कैंटीन में थी। हाँ पकड़ी गई ना। सुनो उस ड्राइवर को फोन दो जरा। यार वो बैंक गया है, कुछ दिक्कत हो गई है उसके घर पे। बैंक? अरे यार तुमने तो बोला कि तुम टैक्सी में हो, फिर वो बैंक कैसे जा सकता है? फिर गेम खेल रहे हो तुम मेरे साथ, है ना? यार तुम पागल हो गए हो क्या, कुछ भी बोले जा रहे हो। हाँ मैं पागल हो गया। तुम उस टैक्सी से उतरो पहले तो, और दूसरी टैक्सी पकड़ो। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। तुम यार जो भी है तुम्हारे, क्या लेना देना उससे तुम्हारा? यार इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं अंश? अरे घंटा इंसानियत अपना देखो यार, दो कौड़े के ड्राइवर के लिए मुझसे कब से बहस की जा रही हो? टैक्सी से उतरो। नहीं उतरूंगी। क्या कर लोगे? पारुल अगर तुम अभी टैक्सी से नहीं उतरो, नहीं तो क्या कर लोगे? हाँ धमकी देना बंद करो। हाँ मुझे। अबे वैभव को फोन दे, वैभव के साथ है ना तू, फोन दे वैभव को। साली तेरी जैसी को अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं, सुबह कहीं और, दोपहर को कहीं और शाम को कहीं और, फोन दे उसको। हेलो हेलो वैभव, हेलो वैभव, फोन ले साले कुत्ते साले दो कौड़ी के। मर्द है तो मर्द जैसी बात करता। हो गया तुम्हारा, मैं बोलूं आप कुछ? दो कौड़ी के ना तुम हो, दरअसल तुम कुछ हो ही नहीं, अंश भी नहीं हो तुम। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने ये डिसीजन से मिलने आ रही हूँ। मैं नहीं आ रही हूँ अंश, बस जा रही हूँ। मैं कॉल कट कर रही हूँ और मुझे दोबारा कॉल बैक मत करना। पारुल मेरी बात सुनो। पारुल Thank you.
भैया घर वापस ले लीजिए। सॉरी मैडम, मेरी वजह से आप परेशान हो। मैं छोड़ देता हूँ मैडम अभी 2 मिनट में। नहीं नहीं, आप यूटर्न ले लीजिए, घर को ही ले लीजिए। हाँ जी। भैया ये लीजिए। शर्मिंदा मत कीजिए मैडम। अरे भैया रखिए ना। इधर ट्रैफिक में अगर टैक्सी फंस जाए ना तो सवारी अपना पूरा हिसाब करके निकल जाती है। ऐसे वक्त पे आपका टैक्सी ना छोड़ना हम जैसे इंसानों के लिए बहुत बड़ी बात है मैडम। रखिए ना प्लीज। मैं आधे लूंगा मैडम पैसे। अरे नहीं भैया प्लीज। नहीं 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 मैडम, प्लीज बात मानिए मैडम। नहीं नहीं प्लीज रख लीजिए। ये लीजिए भैया, ये आधे आप रख लीजिए। रख लीजिए मैडम प्लीज। थैंक यू मैडम। थैंक यू भैया। भैया जानते हैं कभी कभी भगवान नेकी का परिणाम ऑन द स्पॉट दे देते हैं। मैं समझा नहीं मैडम। कुछ नहीं, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अपने परिवार का ख्याल रखिएगा जी।